हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड शॉट के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में कि कैसी है ये फिल्म, क्या खास है इस फिल्म में और आपको ये फिल्म क्यों देखने चाहिए, सब जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लड शॉट ये फिल्म बेस्ड है वेलिएंट की कॉमिक, जिस कॉमिक का नाम है ब्लड शॉट। वेलिएंट की कॉमिक भी मार्वल और डीसी की तरह ही फेमस है। और अब बात करते हैं फिल्म ब्लड शॉट के बारे में। तो इस फिल्म को 13 मार्च को रिलीज कर दिया गया है और ये फिल्म इंग्लिश ही नहीं हिंदी में भी रिलीज हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड विल्सन ने और फिल्म की कास्ट में है विन डीजल, टोबी केबल, गाय पियर्स एंड इजा गोंजालेस। तो पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में, किस टाइप की स्टोरी आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी फोकस करती है विन डीजल के कैरेक्टर रे पर, जो कि एक सोल्जर है और जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन एक फर्म ने उन्हें वापस जिंदा कर दिया है। जिंदा होने के बाद रे को ये पता चलता है कि अब उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं, लेकिन रे की याददाश्त जा चुकी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रे की याददाश्त वापस आती है, उसे ये भी याद आता है कि उसके मौत के साथ साथ उसकी वाइफ का मर्डर भी हुआ था। और फिर रे निकल पड़ता है अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए। और फिर फिल्म में आगे क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को ही देखना होगा। तो पहले बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट्स के बारे में। तो पहला प्लस पॉइंट जो है वो है विन डीजल। तो अगर आप विन डीजल फैन हैं और उनकी हर फिल्म देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस फिल्म को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि पूरी फिल्म में विन डीजल छाए हुए हैं और उनका वही लुक आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने फास्ट एंड फ्यूरियस में उनका लुक और स्टाइल देखा है। वहीं फिल्म का सेकंड प्लस पॉइंट जो है वो है फिल्म का एक्शन। तो अगर आप एक्शन मूवीज फैन हैं और आपको एक्शन फिल्म्स देखना पसंद है तो भी आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म के एक्शन सीन्स अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं फिल्म के वीक पॉइंट्स के बारे में। तो पहला वीक पॉइंट जो है वो है फिल्म का प्लॉट। तो फिल्म का प्लॉट बहुत ही वीक और बहुत ही पुराना है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कुछ कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है और लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रही है और उन लोगों को अपने फायदे के लिए यूज़ कर रही है। तो इस टाइप की स्टोरी हमने पहले भी कई सारी फिल्मों में देख रखी है, जिस वजह से इस फिल्म का जो प्लॉट है वो बहुत ही पुराना है। वहीं फिल्म का जो दूसरा वीक पॉइंट है वो है फिल्म के कैरेक्टर्स। नाइफ कैरेक्टर्स को अच्छे से लिखा गया है, डेवलप किया गया है, जिस वजह से स्टार्ट टू एंड तक हम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या तक विलन के कैरेक्टर की भी कोई बैक स्टोरी हमें फिल्म में नहीं दिखाई गई है। बात करो अगर फिल्म के BGM और फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म का BGM और डायरेक्शन दोनों ठीक ठाक है। वहीं फिल्म की एडिटिंग बहुत ही फास्ट पेस पे की गई है, जिस वजह से फिल्म में हमें किसी भी कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखने को नहीं मिलती है। फिल्म की कहानी को तो पहले फिल्म के ट्रेलर में स्पॉइल कर दिया गया है। वहीं बात अगर एक्शन सीन्स की है तो एक्शन सीन्स जितने भी आपने ट्रेलर में देखे हैं फिल्म में भी आपको उतने ही देखने को मिलेंगे, और फिल्म में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करूंगा एक्टर्स के एक्टिंग की। तो सभी एक्टर्स की एक्टिंग ठीक ठाक है, बट बात करूं विन डीजल की तो उनकी एक्टिंग और उनका कैरेक्टर हमें फास्ट एंड फ्यूरियस में उनके कैरेक्टर डोमिनिक की याद दिलाएगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग और उनके कैरेक्टर दोनों में ही कुछ नयापन नहीं है। बात करूं अगर फिल्म के CGI की, तो फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जहाँ पे CGI का यूज़ बहुत ही वीक लगता है हमें। और अब बात करूंगा फिल्म के हिंदी डब के बारे में। तो फिल्म का हिंदी डब अच्छा है, तो अगर आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप विन डीजल फैन हैं और अगर आपको एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को डेफिनेटली ही देख सकते हैं। पर अगर आप ट्रेलर के बाद से ये सोच रहे हैं फिल्म में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो जी नहीं, फिल्म के ट्रेलर में आपने जो कुछ भी देखा है फिल्म में भी आपको वही देखने को मिलेगा। और मैं यही कहूँगा फिल्म पे पैसे वेस्ट ना करें। तो मैं ब्लड शॉट को दूंगा 2.5 स्टार्स और आपको यही कहूँगा ये फिल्म बड़ी ज़रूर है पर ग्रेट नहीं। पर इस रिव्यू के बाद आप फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया, रिव्यू पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के संग। जय हिंद, वंदे मातरम।